नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में। आज मैं शेयर करूंगी पालक के परांठे की रेसिपी। पालक हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है और पालक का परांठा बहुत टेस्टी बनता है खाने में। इसे आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक ली। इसको मैंने धो लिया और इसके मैंने स्टेम्स हटा दी हैं। सिर्फ हमें लीव्स यूज़ करनी है पालक की। मैंने यहाँ पर पानी रख दिया था गर्म करने के लिए। पानी उबाल आने पर मैं इसमें डाल दूंगी ये पालक। सारे पालक इसमें हम डाल देंगे। पालक को सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। तो ये देखिए पानी में उबाल आ रहा है। ये पालक हमारी ये बॉईल हो गई है। इसे मैं निकाल लूंगी। ज्यादा नहीं बॉईल करना है इसे, हमें हल्का सा ही इसे हमें बॉईल करना था। सारी पालक को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए पालक हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं इसे डाल रही हूँ ग्राइंडर के जार में। इसे हमें ग्राइंड करना है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी अदरक। मैंने यहाँ पर 1 इंच का पीस लिया था अदरक का, उसको छोटे पीस में कट कर लिया। 2 डाली है मैंने इसमें हरी मिर्च। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। सारी पालक की प्योरी इस आटे में हम डाल देंगे। तो ये देखिए सारी पालक मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, करीबन 1 बड़ा चम्मच, और 1/2 टीस्पून ऐड करी है मैंने इसमें अजवाइन। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर हम तैयार करेंगे। फिलहाल पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो ही हम पानी इसमें डालेंगे। तो ये देखिए पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला इसके अंदर। लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल, और फिर से मैं इसको अच्छे से नीट कर लूँगी। तो ये देखिए पालक के पराठे के लिए मैंने सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हम ढक के रख देंगे करीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए आटे को रखे हुए करीबन 20 मिनट हो गए हैं। इसको हम फिर से अच्छे से नीट कर लेंगे एक बारी। पालक के पराठे के लिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसके हम बनाएंगे पराठे। तो मैंने यहाँ पर एक लोई तोड़ ली है, इसको मैंने सूखे आटे में डस कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा बेल कर इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, जैसे कि हम पराठे के अंदर ऑयल लगाते हैं। ऑयल या फिर घी, जो भी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ इसके ऊपर। ऑयल लगाने के बाद फिर से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसके एक लोई बना लेंगे। फिर से मैंने इसको डस्ट कर लिया है सूखे आटे में। अब इसका हम पराठा बेल लेंगे। इस तरीके से पालक का पराठा बनाना बहुत आसान है, बहुत इजीली ये बन जाता है। खाने में टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है ये। तो ये देखिए पालक के पराठे को मैंने बेल लिया है। अब मैं इसको डालूंगी तवे पर इसको सेकने के लिए। गैस को मीडियम हीट पर रखेंगे और पराठे को हम मीडियम हीट पे ही सेक लेंगे। दोनों तरफ से पका लेंगे इसको अच्छे से। दोनों तरफ से ऑयल या फिर घी लगाकर इसको हम सेक लेंगे अच्छे से, जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। और इस तरीके से इसको दबा दबा कर हम सेक लेंगे। तो ये देखिए पालक का पराठा हमारा तैयार हो गया है। इसे मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। इसे आप सर्व कीजिए दही के साथ या फिर अचार के साथ, आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोज का मैसेज आपके पास आ सके।